और जब दुआ नौशेवान से अपने दिल से माफ़ी मांगती है तो उसके बाद नौशेवान भी दुआ को दिल से माफ़ कर देता है। आप देखने जा रहे हैं कि जब नौशेवान को सच्चाई मालूम हो जाती है तो उसके बाद नौशेवान बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और दुआ से बात तक भी नहीं करता, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मगर दुआ नौशेवान के पास जाती है और उससे बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम्हें नहीं बताया कि मैं किसी से मोहब्बत करती थी और उसी ने मुझे धोखा दिया था और वही शख्स फराज था। ये गलती मेरी सबसे बड़ी गलती है, मुझको माफ कर दो। मगर नौशेवान दुआ की किसी बात का यकीन नहीं करता और दुआ को माफ नहीं करता और दुआ से बोलता है कि यहाँ से चली जाओ, मगर दुआ वहां से नहीं जाती और नौशेवान से हाथ जोड़कर और रोककर माफी मांगती है और नौशेवान से बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझको माफ कर दो। और नौशेवान दुआ से तो सच्ची दिल से मोहब्बत करता है और दुआ के आंसू नहीं देख सकता, तो इस वजह से नौशेवान भी दुआ को माफ कर देता है और नौशेवान दुआ से बोलता है कि तुमको मैं माफ कर रहा हूँ। और जिसके बाद दुआ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नौशेवान के साथ खुशी से रहने लगती है और दुआ भी नौशेवान को सारी हकीकत फराज की बता देती है, जिसको सुनने के बाद नौशेवान को फराज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और नौशेवान दुआ से बोलता है कि तुम फिक्र ना करो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि फराज को मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा और तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लूंगा। तो ये बात सुनने के बाद दुआ तसली से वहां पर बैठ जाती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जिसके बाद दुआ सोचती है कि मैंने नौशेवान का भरोसा तोड़ा था और आज के बाद नौशेवान से कोई भी सच नहीं छुपाऊंगी और सारी बात नौशेवान को बता दूंगी। और जिसके बाद नौशेवान और दुआ खुशी से रहने लगते हैं।